ये देखिए मैं आपको तोरण राजाओं की बहुत इजी वे में, ये है एक पत्ती और ऐसे इस पत्ती को हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं और इसके बीच में इसको ऐसे लगाकर एक सिंपल सा स्टेपलर मार लेते हैं ऐसे करके, और ये तैयार हो गया मेरा एक शेप। ऐसे ही करके मैं 5, 7, 11 करके तैयार कर सकती हूँ। और मौली धागा डालने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये ऐसे स्टेपलर मारे तो यहाँ पे आपका स्पेस बन गया। तो ये देखिए जैसा कि ये डंडी गुजर है, ये इसी में आपको मौली धागा को, इसी स्पेस में मौली धागा को ऐसे डाल देना है। और डालने के बाद हल्दी कुमकुम लगाकर मैं जैसे बना दिखा रही हूँ आपको, ये मौली मौली है तो मौली को ऐसे करके, ऐसे इसमें ऐसे करके इस डंडी से ऐसे पुश करिएगा तो ये बाहर की ओर निकल आएगा। ये देखिए बहुत ही ये निकल आया। अब ऐसे ही करके मैं 5, 7, 11 जितना भी है वो आप तैयार कर लीजिए ऐसे, ठीक है। और ये देखिए ये तैयार हो गया। अब इसके बीच में आप ये फूल है आपके घर में, ऐसे फूल लगा सकते हैं, ये फूल है ऐसे फूल लगा सकते हैं। मेरे घर में तो अभी गेंदा का फूल नहीं है, ये देखिए ये देखिए ऐसे बन गया है। इसके बीच में आप ऐसे कोई भी फूल हो घर का आप ऐसे लगा सकते हैं। ये मेरे गुलाब है ऐसे करके, ये गेंदा है, मतलब आपके घर में जो फूल हो ऐसा कुछ नहीं है। आप हर दिन अलग अलग डिजाइन का तोरण बनाइए और अपने दरवाजे पे लगाइए। आप सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामना और हैप्पी दिवाली, सेफ मनाइए, बच्चों के साथ ही रहिए जब पटाखा छोड़े। तो आप सभी को धन्यवाद, हैप्पी दिवाली, बाय बाय। देखिए मेरे पास तैयार हो गए, मुझे सपोर्ट के लिए ऐसे एक पकड़ के सीधा ऐसे कर देना है। ये देखिए मेरे तैयार हो गए। और आप पता ही है इसको सूप करने के लिए वो क्या करना है, इस पर मुझे ये कुमकुम और ऐसे करके टीका लगा देना है। ये ध्यान रखिएगा 5, 7, 11 ऐसे ही करके आप इसकी संख्या रखिएगा, बहुत ही शुभ होता है। ये देखिए तुरंत तैयार हो गया, इसको आप ऐसे दरवाजे पे लगा सकते हैं। तो अगर ये तोरण पसंद आएगा तो आप ज़रूर अपने घर में दीपावली में, धनतेरस में, छोटी दीपावली में बनाइए और लगाइए। बहुत ही मुझे तो मज़ा आता है ये सब में डेकोरेशन।